बच्चा हो गया है और उसको देखो कहाँ से पकड़ रही है वो, मेरा हाथ छिल गया तो खून निकल गया, मेरे आंखों में जलन हो रही है ना क्रीम के वजह से, पसीना हो गया किसके वजह से, वो चक्कर सा लग के आ रहा है, बंद कर दिया। हेलो नमस्ते बला, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग्स में। कैसे आप लोग, हम भी बढ़िया है। और तो हमारी हो रही है दिल्ली जाने की तैयारी, मतलब कल से तैयारी हो रही है, बैग वगैरह और एक बैग अभी पैक हो रहा है। तो अभी तो सुबह इतना ज्यादा खैर पैकिंग का था नहीं, खाली जो मेकअप वगैरह की स्किन की चीजें, वो लैपटॉप कैमरा वो तो मैंने रात को ही पैक कर दिया था, मैंने अपने जैसे सारा काम खत्म कर दिया था। अच्छा, बस बैग में डालना था क्योंकि बैग धो रखा था, सुखा रखा था, तो अभी लेके आए। बाकी थोड़ा बहुत जो बाहर कपड़े सुखाए थे वो तय वह करके मैं रख रही हूँ, सारा हो गया है। अब वही देखते हैं बस, यहाँ से सामान लेके जाना है। ठीक है, 7 बजे तो मेरी नींद खुल गई थी, मैंने उठाया इसको, मैंने कहा सपना उठो उठो उठो, मैं उठ चुकी थी पहले, रहने दो सपना उठो करके मैंने उठाया। फिर फटाफट मैंने थोड़ी बहुत जो एडिटिंग थी वो बची है वो कर दी थी, और अभी वीडियो लगा दी थी। और वो ये कुछ सामान था, हम स्पीकर वगैरह जैसे ये सब छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो अब ये मेरा बैग है, मैंने इसमें लैपटॉप वगैरह अपना कैमरा पैक कर लिया है। अब फटाफट से देखना जल्दी तो यहाँ, क्योंकि 11:30 बजे की बस है, फिर निकलना भी है, तो वही चीज़ है। अब कैसे निकलेंगे पता नहीं, इतनी पैदल चल। हाँ ये रख लो जीन्स, ये ब्लैक वाली तो रख ही लो जीन्स। इतनी प्यारी धूप आई हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, और व्यू भी इतना अच्छा आ रखा है। देखो आज ये देखो कितना बढ़िया व्यू आ रखा है ना। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ विंडो खुले छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हवा वगैरह पास होती रहे ना, क्योंकि पिछली बार तो फंगस वगैरह ये सब चीज़ें लग गई थी बहुत ज़्यादा। और ये वर्कर्स लोग भी आने वाले होंगे, किचन का सिलेंडर ये पाइप निकाल देता हूँ मैं ना, क्योंकि थोड़ा रिस्क है कि गांव में जहाँ हमारा प्रोग्राम था तो वहाँ पे आग वगैरह लगी थी, तो मैं ये निकाल देता हूँ यहाँ पे ना। अभी मेरे से मैंने मतलब ये चीज़ नहीं लगाई थी वाइट वाली ना, तो अभी ये सपना ने लगा रखी है, कह रहे तुम ऐसे वो हो कि इसको खुला छोड़ गया, गैस का पाइप तो निकाल दिया, इसको खुला छोड़ गया। तो ये है, तो जो मेरे को वर्कर्स को सामान देना हो मैंने ना गेट पर रख दिया ताकि मुझे याद रहे, और चाबी में मैंने यही रखी है, अभी वो आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा चाबी। ये देखना इसको कहाँ से पकड़ रही है, इतना प्लास्टिक कच्चा हो गया है और उसको देखो कहाँ से पकड़ रही है वो, मेरा हाथ छिल गया तो खून निकल गया, कहाँ छिला ये, जाते जाते ककड़ने हैं ना तुमने कान यहाँ से, उसको ऊपर से कौन पकड़ता है, प्लेट नहीं लगा रही क्यों वहाँ पे, मुझे क्या पता इतना कच्चा है वो, बताओ तुम्हें पता था कच्चा तुम उठा रहे थे, अबे कच्चा है मुझे क्या पता था कि तुम्हारा दिमाग ये प्लेट नहीं उठाओगी, तुम सीधा उसको ऊपर को पकड़ोगी, यहाँ से उठाया, हाँ तो नहीं पकड़ना था, टूट गया ना, तो कच्चा है तभी तो बोल रहा हूँ। ये देखना मेरे को लग गई उसकी, वो नहीं पड़ी ने, छिलके निकल गए, चिल्लाए जा रहे वहां से, मेरी चोट लगी वो नहीं देख रहे, चोट क्या लगी तुम्हें, पकड़ा गलत तरीके से वो, अब उस पानी क्यों डाल रहे हो, बाहर निकलेगा दूसरे गमले में डाल दो ना। तो हम निकलते हैं, दोनों बैग जाओगे, बाहर कितना अच्छा लग रहा है यार, ग्रीन ग्रीन। वहाँ से जाएंगे पल्ली मार्केट पैदल पैदल, फिर वहाँ से शेयरिंग पकड़ेंगे सीधा बस अड्डे, और आज हम जा रहे हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, तो धूप आ रही है, मतलब इतने दिन से दम 2 महीने से धूप ही नहीं मिल रही थी। तुम भी रगड़ सकती हो, क्या ये खेल सकती हो, क्या थक गए, मेरा आंखों में जलन हो गई ना क्रीम के वजह से, पसीना हो गया, किसकी वजह से, क्रीम की वजह से, साफ कर लो टिश्यू तुम, अबे मैं लगा दूंगा सो दे दो मैं दे दूं, हां दे तो साफ कर रही हूं, ऊपर से ऐसे कर रहे हैं। कह रही विशु मेरे को ट्रॉली बैग पकड़ा दो, मेरी वीडियो बनाओ, ये लो कितनी चंट है बेटा तू, अच्छा और ये देखो ये है भीमताल पहुंच गया, पैदल पैदल काफ़ी लंबा रास्ता है, वो नीचे रोड है, फिर कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगी तो निकल जाएंगे, मौसम बढ़िया और खैरा जो भी है।
तो फाइनली यहाँ पे 11:22 हो गए, हम पहुँच गए थे, काफ़ी हालत ख़राब हुई है, गर्मी हो रही है, अभी थोड़ा राहत मिल रही है बस में पहुँचने पर। तो अब पहुँचते हैं, बीच में देखते हैं बस कहाँ रुकती है, वैसे तो नॉन स्टॉप है तो अब पता नहीं कहाँ रुकेगी। बैग मैंने उठाया, मेरे कंधों में दर्द हो गया है। फाटक की वजह से थोड़ा और ज़्यादा लेट होने वाले हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है और काफ़ी लोगों की भीड़ भी हो गई है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो गाड़ी है मेरठ होते हुए जाएगी और कौन सी जगह थी, बिजनौर होते हुए जाएगी, तो इस वजह से काफ़ी लेट पहुँचेंगे हम दिल्ली, हमें ऐसा लग रहा है। तो यहाँ टाइम अब 10 बज गए और हम अब पहुँच रहे हैं और हमें दीदी जीजाजी लेने आए हैं। लेने नहीं आए, छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, लेके छोड़ने आए जो कि हमें आधा घंटा खड़ा करवा के और इनके भी ऑटो वाले से लड़ाई भी हो गई थी। मेरी लड़ाई कहाँ हुई ऑटो वाले से? ऑटो वाले ने दूसरे से लड़ाई, तुमने लड़ाई करा थी ऑटो वाले? मैंने लड़ाई नहीं, पता क्या हुआ, वो पीछे आ गया और उसने सिज्जिया जी सुनो सी, बैग पीछे रखे हैं, ऑटो वाले कह रहा हटना, अब हटने को जैसी हो रहे जबरदस्ती ऑटो पीछे ले आया, बैग पे चढ़ा दिया। तो मैंने कहा 2 मिनट रुक तो जाओ, शांत हो जाओ, बैग तो उठाने दो, करा छोटा तो और ऑटो वाला आ गया, दूसरा रास्ता नहीं दिखा जो तू इनके पीछे से आया, कह रहा ये कह रहा तू यहाँ का तो नहीं लग रहा, तू तो नया लग रहा है, और ऐसे करते करते फिर आपस में 5 लोग मिट गए और हम साइड हो गए। तो हम फाइनली अपनी गली में पहुँच चुके हैं, दीदी जी ने हमें बाहर गली के बाहर छोड़ दिया था और अब जा रहे, देखो सारी चीज़ें घर पहुँच के बता दें। हाँ, क्यों लेट हुआ हमें यार, इतना सारा टाइम जो हमें 5 बजे पहुँचना था और अभी टाइम जो है 10:30 हो रही है। तो फाइनली हम घर पहुँच ही गए हैं इतने लंबे सफ़र के बाद, मतलब लगा लो 9:30 बजे से हम सुबह निकले थे और अब हम डेली टाइम देख रहे हो 11 बज गए रात के और अब पहुँच रहे, मतलब इतने 13-14 घंटे से सफ़र कर रहे हैं। और घर का हाल देखो, अभी चाचा और ने ऊपर जो है खाना भिजवाया मान ले, और बिस्तर का हाल देखो, यहाँ पे पता नहीं चूहे ने कूद रहे थे कि कॉकरोच क्या कूद रहे थे, ये ऐसे कर रखा है इन्होंने। खैर जितना गंदा सोचा था उतना गंदा तो है नहीं। अब केक अभी मत डालो पाइप में पानी, ओ उस पाइप में पानी कह रही हूँ, उसमें पानी कूलर में पानी, वो अजीब सा होगा, अभी कूलर गंदा होगा, साफ करना पड़ेगा। तुमने चला दिया क्या? पानी साफ, तो या तो पानी मत चलाओ ना, साफ करना पड़ेगा, ये पूरा साफ करना पड़ेगा, तो किचन उचन साफ करना पड़ेगा, हल्की हल्की धूल तो हो ही रखी है। चलो ये तो ढके हुए हैं। तो कल से भाई हमारी फिर से होगी साफ सफाई की जिम्मेदारी फिर से शुरू। अभी खाते हैं, सुबह से कुछ नहीं खा रहा हमने, सुबह से अभी खाना खाते हैं, उसके बाद कल ही करेंगे हम काम का सब। लेट क्यों पहुँचे? हवा हम तो अपने पहले तो क्या हुआ, भीमताल से निकले तो हमने देख ही रखा होगा, वहाँ से निकल के हम सीधा पहले ऊपर से फिर तल्ली ताल गए, वहाँ से गाड़ी पकड़ी और बैग दोनों मेरे कंधे में, पहले मैंने वो लड़के को लेके गया था वर्कर को आधे रास्ते था, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, फिर उसके बाद बस अड्डे में, बस अड्डे पर पहुँचे, फिर बस पकड़ी, बस पकड़ने के बाद में पता लगा ये तो घूम के जाएगी क्योंकि वो वाला रास्ता ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। और घूमने का मतलब तो समझ रही हो, 11:30 बजे के निकले हुए, सुबह हम अपनी सब बताते हैं 9 कुछ के निकले हुए हम और 10:30-11 बजे घर पहुँच गए। खाना ऐसे खाया है, धूल मिट्टी पूरे घर में अलग हो रखी है, गंदे लेवल की मिट्टी हो रही है, किचन में कॉकरोच जो घूम रहे हैं, बिस्तर में वो चूहे घूम रहे हैं, ये गंदा कर रखा है, अभी ये हालत तुम ये देख लो कैसा हो रखा है, वो देखो टेबल पे धूल साफ करिए, टीवी मैंने अभी ऑन तो धूल तो लगेगी, वो तो कॉमन सी बात है, टीवी का भी ऐसा होता है ना, मशीन है वो रखे रखे भी ऑफ खत्म हो जाता अंदर से, वो तो चलो मैंने खोल दिया, अभी मुझे टेंशन हो रही है कल से उठ के रखे फिर करना पड़ेगा ठीक ठाक। कोई नहीं, दो दिन देखो कितनी गंदी हो रही है, धूल तो लगेगी कोई बात नहीं, डस्टिंग है और वैसा कुछ गंदा नहीं है, मतलब वैसा नहीं है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है ना, बैग के सामान से हो रहा है ना, तुम तो तुम हो है ना, क्या तुम तो क्या बोले, तुमको सामान दे नहीं सकते हो तुम, मैं तो वो तो कोई कोई भी लड़की होती है वो उठाती नहीं बैग, तुम क्या
लड़का ही उठाता ना, वो उतने बड़े बड़े वैसे बैठते तो लड़का ही, तो जो होगा जो होगा। तो फिर इसने मैं क्या पीस दो जहाँ पीस रहा है ऐसे। तो भाई इस तरीके से ऐसे लेट हुए हम, अब खा लिया हमने खाला। ऊपर से नीलू दीदी पहुंच गया आने भैया, आधे घंटे बाद आ रही है आने भैया। आधे घंटा नहीं मतलब 20 मिनट तो लगा होगा उसको, 20 मिनट से भी ज्यादा थोड़ा। वो हमने जाते तो हमने दिन भर ज्यादा सफर कर लेते ना, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था। अरे मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था यार, क्योंकि बैग था ऑटो वाला, इधर से इधर करो इधर करो, दिमाग खराब हो गया था मेरा बहुत ज्यादा। चलो भाई चलो, फाइनली पहुंच गए हम, खा पी भी लिया हमने। सुबह उठना है, जल्दी उठना है, सफाई वफाई करनी है, डस्टिंग वगैरह। इतना खैर इतना गंदा नहीं हो रहा जितना वहाँ पे जाता था ना, मतलब सीलन वीलन की वजह से ऐसा कुछ गंदा नहीं हो रहा था। धूल मिट्टी है वो तो हो जाएगी, बस किचन विचन साफ करना है, फ्रिज साफ करना है। दीदी ने मना किया था कि कूलर में पानी मत भरना आज, पर ये तो फिर कहाँ सुनते हैं किसी की, पानी फिर भी जबरदस्ती भर दिया। ठीक है फिर ब्लॉग को ही एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।